गाइस यार आज हम लोग फिर से खेलेंगे गेमिंग कैफे सिमुलेटर। इस गेम के अंदर गाइस हम लोगों ने अपना एक नया गेमिंग कैफे खोला है ताकि गाइस वहां पे ना बहुत सारे बंदे आए और आके गाइस हमारे गेमिंग कैफे के अंदर ना गेम खेलें और बदले में यार हम ना उनसे बहुत सारा पैसा कमा सकें। तो गाइस आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग ना अपने कैफे को अपग्रेड करेंगे, तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा गेम के अंदर। ऑलराइट गाइस हम आ चुके हैं गेम के अंदर और ये रहा गाइस जापान के अंदर अपना एक बड़ा सा गेमिंग कैफे। वैसे गाइस यार ये ना बाहर से देखने में इतना बड़ा लग रहा है बट अंदर से ना काफ़ी छोटा सा है, तो इसको हमें धीरे धीरे अंदर से बड़ा करना है, पूरा एक्सपेंड करना है। जितना बड़ा ये दिखाई दे रहा है ना हमें इसको इतना बड़ा कर देना अंदर से। तो चलो चलते हैं जल्दी से अंदर। और आज देखो यार साइड में टास्क लिखा आ रहा है असेंबल 3 PC। तो आज के इस एपिसोड के अंदर गाइस हम लोग यहाँ पे ना 3 PC बाय करके सेटअप कर देंगे। तो यहाँ पे देखो साइड में बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं, तो गाइस ये बंदे ना यहाँ पे कॉमिक्स और CD खरीद के ना खड़े हुए हैं चेकआउट करने के लिए। यहाँ के बंदे गाइस कॉमिक्स बहुत पढ़ते हैं और गेम की CD ले जाके ना घर पे गेम खेलते हैं। और लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने यहाँ पे 2 गाइस वेंडिंग मशीन लगाई थी ताकि यार अगर बंदे यहाँ पे आएँ तो वो यार साथ साथ ना कुछ खा पी भी लें। जैसे कि देखो ये बंदा यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक गाइस खरीद रहा है, तो इससे ना हमारी अर्निंग हो रही है। तो चलो फिर यहाँ पे देखो 2 आर्केड मशीनें लगाई हैं ताकि यार बंदों का अगर मन करे तो वो आर्केड पे भी गेम खेल लें। और यहाँ पे एक बेचारा लड़का खड़ा हुआ है, इसको गाइस गेम खेलनी है कंप्यूटर के अंदर, तो चलो जल्दी से इसको देते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर फ्री पड़ा हुआ है। तो चलो यहाँ से जल्दी से चेकआउट कर देते हैं इनका। उसके बाद गाइस हम लोग ना 3 PC को बाय करके यहाँ पे असेंबल करेंगे। बट यार रुको, अपने पास यार उतने पैसे भी तो नहीं है शायद, 3 PC तो आएंगे नहीं। तो यार मुझे लगता है गाइस हमें ना पहले कॉमिक्स वगैरह बेचनी पड़ेंगी और PC को रेंट भी देना पड़ेगा, उसके बाद ही 3 कंप्यूटर का सेटअप हो पाएगा। बट चलो देखते हैं कि आज हम क्या ये कर पाएंगे। पहले जल्दी से इनका चेकआउट करते हैं। ये बंदे गाइस यहाँ पे देखो यार बूट उट के निशान छाप दे रहे हैं, तो हमें ना साफ सफाई करनी पड़ेगी। तो चलो यार साफ सफाई बाद में कर देंगे। पर रुको, यहाँ पे देखो यार कॉमिक्स खरीदने के लिए बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, तो कॉमिक्स गाइस खत्म हो रखी हैं, तो हमें ना पहले तो कॉमिक्स बाय करनी पड़ेंगी। कंप्यूटर बाद में बाय करते हैं, पहले जल्दी से जाते हैं गाइस कॉमिक्स बाय कर लेते हैं। जाते हैं स्टोर के अंदर और ये रही महंगा कॉमिक्स, तो इसको करते हैं कार्ड के अंदर ऐड। वैसे गाइस यार काफ़ी महंगी है, बट यार एक कॉमिक्स नहीं है इसके अंदर गाइस, एक बंडल के अंदर ना टोटल 5 कॉमिक्स हैं। और यहाँ पे देखो CD भी मिल रही है, तो CD भी जल्दी से कर लेते हैं बाय। जो गाइस यार गेम की CD है ना वो काफ़ी महंगी है, तो चलो यहाँ से करते हैं जल्दी से बाय। हमारे लगे हैं टोटल $38,000। डॉलर नहीं, येन, हम लोग जापान के अंदर है ना, तो जापानी करेंसी है येन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक गेमिंग कैफे बाय करना है, 3 बाय करने हैं। तो पहले तो यार जल्दी से ना एक ऑर्डर करके देखते हैं कि एक हमें कितने का पड़ रहा है। तो जाते हैं जल्दी से हम गेमिंग के अंदर और ये रहा गाइस पहले तो कैबिनेट, ये ऐड कर लेते हैं काट के। और ये CPU तो करना ही पड़ेगा और मॉनिटर भी ऐड करना पड़ेगा, कीबोर्ड भी ऐड करना पड़ेगा, माउस भी ऐड करना ही पड़ेगा। वैसे गाइस यार जो हम लोग ये सब मंगा रहे हैं ना ये हम सेकंड हैंड मंगा रहे हैं फिलहाल। देखो इसके अंदर जो लग्जरी वाला है वो काफ़ी महंगा भी है और वो ना अनलॉक हो रखा है, लॉक हो रखा है, तो उसको ना हमें पहले अनलॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो गाइस हमारे कार्ट के अंदर अगर हम पूरा PC ऐड कर रहे हैं तो हमारे लग रहे हैं 60,000 येन। तो चलो करते हैं बाय। और अपने पास बचे हैं 57,000 येन। तो रुको देखते हैं, PC अगर खाली होगा तो इसको दे देंगे। चल भाई तू जा, उसका भाई है ना, तू जा खेल ले जल्दी से जाके। पर रुको यार गाइस अपनी देखो वेंडिंग मशीन भी एकदम खाली होने वाली है, तो वेंडिंग मशीन के लिए भी मुझे सामान मंगाना पड़ेगा खाने पीने का। और रुको यहाँ पे देखो बंदे खेल रहे हैं, अच्छी बात है गाइस। तो चलो यहाँ से पैसे वैसे दे देंगे। पर रुको यार जल्दी से कॉमिक्स आ जाएं, तो मैं ना जल्दी से जाके कॉमिक्स को लगा दूंगा। और रुको नीचे देखो गाइस एक ट्रक आया हुआ है, तो चलो जल्दी से चलते हैं भाग के नीचे। और उसके अंदर पहले तो हम लोगों ने कॉमिक्स मंगाई है, तो चलो कॉमिक्स को उठा के जल्दी से लगाते हैं गाइस वहाँ पे, उठाते हैं जल्दी से यहाँ से और ले जाके लगा देंगे इसको सीधा कॉमिक्स वाले टेबल के ऊपर। और उसके बाद देखो वहाँ पे, रुको ये तो इसी का मार्क बना रहा है जो हमारा दूसरा कंप्यूटर लेके आ रहा है ट्रक, वो देखो वहाँ पे आ रहा है। तो इससे पहले कि गाइस वो आए यहाँ से जल्दी से उठा के रखते हैं इसके ऊपर। वैसे यार हम लोग 3 खरीद पाएंगे, एक पड़ रहा है अपने को 60,000 येन का और हमारे पास ऊपर देखो है 60,000 येन। तो यार एक और आएगा, हमने अगर एक लगाएंगे तो एक ही माना जाएगा, मतलब एक तो ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसको मिला के ना टोटल हमें 4 लगाने हैं, मतलब 3 और लगाने हैं। तो एक तो हम लोगों ने मंगा दिया, तो 2 गाइस हमें और मंगाने हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए डबल, मतलब 120 येन चाहिए हमें। तो यार देखना पड़ेगा, कमाने पड़ेंगे पैसे। अगर यार हम लोग ना कर पाए तो ये गेमिंग कैफे गाइस हमारा खुलने से पहले ना बंद हो जाएगा। तो चलो जल्दी से यहाँ पर लगाते हैं गेमिंग की CD और यहाँ पर लगा देते हैं गाइस हम अपनी कॉमिक्स बुक, तो इसको भी रखते हैं यहाँ पे उठा के और इसको भी रखते हैं और एनचार्टेड अफेयर इसको भी रखते हैं यहाँ पे। चलो ये देखो यहाँ के बंदे गाइस गेम में खेलने से ज़्यादा ना यहाँ से बाय करके लेके जा रहे हैं। वहाँ पे देखो काउंटर पे एक आदमी खड़ा हुआ है, उसका चेकआउट यार बाद में करूँगा, जब गाइस यहाँ पे 4-5 बंदे खड़े हो जाएंगे ना तब करूँगा, एक एक का चेकआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 3 खड़े हो गए, रुको ये लड़की भी खड़ी, और नहीं ये तो गेम खेल के जा रही है और यहाँ पे और आ रहे हैं। तो चलो यार खड़े हो जाएंगे, हम चलते हैं जल्दी से नीचे और जो गाइस हम लोगों ने कंप्यूटर मंगाया उसको जल्दी से निकाल के रखते हैं यहाँ टेबल के अंदर। और उसके बाद टेबल नहीं है ये गाइस सेल्फ है, तो इसके अंदर रख देते हैं जल्दी से। और फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधा गेमिंग रूम के अंदर और वहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है ये उसको रख देंगे, लगा देंगे, ताकि यार जो बंदे गाइस खड़े हुए ना लाइन के अंदर वो भी इंजॉय कर पाएँ कंप्यूटर के ऊपर गेमिंग में।
तो चलो इसको भी लगाते हैं यहाँ पे और इसको भी उठा के रखते हैं यहाँ पे। चलो भाई जाओ ट्रक अंकल, इसको करते हैं बंद गेट को ताकि गाइस चोर और ना आए, क्योंकि यार नीचे देखो अपना रूम भी है, अगर गाइस चोर आएगा तो वो ना हमारा यहाँ से बेड और अलमारी उठा के ले जाएगा, क्योंकि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है उसके लायक। तो यार हमें जाना है इसके अंदर, और इसके अंदर गाइस जो हम लोगों ने कंप्यूटर बाय किया अभी जस्ट, उसको ना यहाँ पे लगाना है। तो इसको कहाँ पे लगाएं, इसको सोच रहा हूँ गाइस जगह ना वेस्ट नहीं करेंगे, साथ में चिपका के लगा देती हैं। तो देखो यहाँ पे कुर्सी लगानी है, तो चलो कुर्सी लगाती हैं, और यहाँ पे देखो लगाना हमें एक मॉनिटर, तो चलो मॉनिटर लगाते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं एक माउस, तो ये लग गया माउस। और उसके बाद गाइस हमें लगाना है एक माउस पैड ताकि यार माउस ना सही से चले, और यहाँ पे रखना हमें कीबोर्ड, और यहाँ पे हमें रखना एक हेडफोन ताकि यार गेम वेम खेले तो उनको ना इसके अंदर आवाज सुनाती रहे, सुनाई देती रहे। और रह गया सीपीयू, तो सीपीयू को रखते हैं यहाँ पे। वैसे यार सीपीयू गाइस देखो यार काफी लेटेस्ट है, बट इसका नाम है लो एंड सीपीयू, वैसे मेरे से ना खतरनाक लग रहा है देखने में सीपीयू। तो यहाँ पे देखो अपना दूसरा पीसीबी असेंबल हो चुका है, तो अब गाइस हमें दो और करनी है। और यहाँ पे देखो यार नीचे कूड़ा वूडा फेंका हुआ है, तो यार कूड़े को ना एक साथ ही साफ कर देंगे जब सो के उठेंगे। बट फिलहाल यहाँ से यार बहुत सारे बंदे खड़े हैं, तो इनका चेकआउट करते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे देखो एक बेचारी लड़की खड़ी है गेम खेलने के लिए कंप्यूटर के अंदर, तो जाते हैं पीसी के अंदर और जल्दी से देते हैं इनको पीसी। चलो यार जाओ जाके खेल लो कंप्यूटर के ऊपर गेम, बट ज़्यादा देर तक मत खेलना वरना तुम्हारी मम्मी आके मारेगी तुम्हें। रुको यार यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात बंदे खड़े हैं टोटल, तो जल्दी से उठाते हैं अपना ये स्कैनर वाला और स्कैन करती हैं। इसने लिया गाइस सीडी एक, आ जाओ जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। इसने भी लिया सीडी, और रुको इसने दो सीडी लिए गेम की, ये तो आज पूरी रात गेम खेलेगा लग रहा है। इसने लिए, और रुको भाई देखो चुरा ये छुपा छुपा के गाइस बाद में रख दें, देखो उसके ऊपर इनको ये है ना कि अगर मैं एकदम से इस बेल्ट को मूव कर दूंगा तो चेकआउट ना गाइस होगा ही नहीं, स्कैन ही नहीं होगा, फ्री का इनको पड़ जाएगा फिर, मतलब हमें घाटा पड़ेगा फिर। इसको करते हैं स्कैन, चलो आ जाओ जल्दी आओ अगला। इस लड़की ने लिए एक कॉमिक्स बुक और एक लिए गाइस गेम की सीडी, और इसने लिए एक गेम की सीडी और रुको दो गेम की सीडी ली है, तीन गेम की सीडी ली है भाई, अच्छी बात है, वेरी गुड यार। आ जाओ जल्दी से और आ जाओ। इस लड़की ने लिए दो कॉमिक्स बुक, गेम नहीं खेलेगी ओनली गाइस ये ना घर पर जाके आज रात भर कॉमिक्स पढ़ेगी, क्योंकि देखो बाहर ना रात हो चुकी है। आ जाओ जल्दी से, इसने लिया गेम की सीडी, तो चलो यार चेकआउट करके अपने पास हो गया गाइस 100,000 एन। तो यार बड़े आराम से ना हम पीसी को एक और बाय कर सकते हैं। तो चलो यार जल्दी से जाते हैं फिर से गेमिंग के अंदर, और इसके अंदर फिर से ऐड करते हैं फर्नीचर, सीपीयू और मॉनिटर और कीबोर्ड, माउस पैड, सब कुछ कार्ट के अंदर ऐड करके जल्दी से करते हैं ऑर्डर। तो यार अपने टोटल तीन पीसी यहां पे लग चुके हैं, तो यार एक पीसी रह गया, बट उसको बाय करने के लिए हमारे पास देखो गाइस टोटल ऊपर 47,000 एन है, बट यार कुछ तो करना पड़ेगा ताकि 60,000 एन हम लोग कमा लें। और रुको वो लड़की गाइस जा रही है, क्योंकि देखो यार रात के 12 बजने वाले हैं, 1 बज गए रात के, 1 बजे तक भाई कैफे के अंदर क्या कर रही है। तो चलो इसको जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग जाके ना सीधा सो जाएंगे, और सोकर उठते ही यहाँ पे जो हम लोगों ने पीसी मंगवाया उसको लगा देंगे। हमारा ट्रक देखो वहाँ से आ रहा है, जब तक हम लोग सो के उठेंगे ना गाइस तब तक वो आ जाएगा यहाँ पे। तो चलो फिर सो के जल्दी से उठते हैं, और यहाँ पे देखो यार अपना टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट तो गाइस हमें कुछ भी नहीं हुआ, लॉस ही हुआ है, क्योंकि यार हम लोगों ने यहाँ पे दो कंप्यूटर मंगा लिए। तो आज है हमारा डे 7, और चलते हैं जल्दी से उठ के बाहर। और जो ट्रक का गाइस यहाँ पे, रुको यार ट्रक गाइस अभी तक नहीं आया, वो पूरी रात वहीं पे खड़ा हुआ क्या, चलो यार जाके देख के आते हैं। पर रुको यहाँ पे यार काफ़ी सारा कचरा पड़ा हुआ है, तो इसको हमें पहले ना साफ ऑफ कर देना चाहिए। चलो मिट्टी विट्टी करते हैं साफ यहाँ से, ताकि यार कस्टमर ना ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अगर गाइस डर्टी होगा हमारा ये कैफ़े तो यहाँ पे ना कोई नहीं आएगा। बट बंदे यार पता नहीं कहाँ से मिट्टी लगा के आ रहे हैं पैर के अंदर, रुको यहाँ पे यार, और रुको यहाँ पे भी देखो एक पैर का निशान, तो इसको भी कर देते हैं साफ। और निकालते हैं एक वैक्यूम क्लीनर, और इसके अंदर जो यहाँ पे ये लोग खा पी के फेंक रहे हैं ना, इसको उठा के डालते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे भी एक पड़ा हुआ था, कहाँ गया भाई, लग रहा कोई उठा के ले गया उसको, तो छोड़ो चलो अच्छी बात है साफ हो गया हमारा कैफ़े। और जो यार ट्रक आ रहा है वो वहाँ से अभी तक आया क्यों नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा रुको शायद से गाइस ट्रैफिक लगा हुआ है उस वजह से, तो इसके ऊपर भाई झूठा दे दे मुझे चढ़ा ले ऊपर, नहीं गाइस नहीं रोक रहा, सीधा ले जाके नीचे रोकेगा। तो चलो भाग के, रुको यहाँ पे यार दो लड़के खड़े हुए हैं, जल्दी से देते हैं इनको पीसी, क्योंकि यार पीसी रात को फ्री पड़ा था हमारा। चलो यार जाओ जाके खेलो गेम, और चलते हैं जल्दी से भाग के फिर से नीचे। और यहाँ पे देखो हमारा ट्रक आ चुका है, तो खोलते हैं गेट, मतलब जाओ हुरन भाई सुन लिया पता चल गया मुझे, निकाल के रखते हैं जल्दी से अंदर। वैसे यार डब्बे तो बहुत सारे हैं, देखो इसको भी रखते हैं इसके अंदर, इसको भी उठाते हैं। और रुको ये हमारा माउस है, वैसे इसके ऊपर देखो छपा हुआ है ये माउस पैड है, और इसके ऊपर बताओ क्या है, इसके ऊपर होगा मॉनिटर शायद, नहीं चेयर इसके ऊपर, और इसके ऊपर तो पक्का सीपी होगा, नहीं गाइस हैंडसेट था। तो यहाँ से फिर से कर देते हैं बंद गेट इसका, वेरा उसका, और चलते हैं भाग के ऊपर। और जो गाइस हमारा यहाँ पे गेमिंग कैफे है, देखो पीसी गेमिंग है रूम है जो गेमिंग वाला, उसके अंदर एक और कंप्यूटर लगाते हैं जल्दी से। तो पहले तो हमें लगाना पड़ेगा एक कैबिनेट, पर रुको ये रहा कैबिनेट, तो इसको कहाँ लगाएं, चलो यार इसको गाइस साथ ही लगा देता हूँ इसके,
इसके चेयर लगाते हैं इस साइड और यहाँ पे लगाते हैं मॉनिटर, 1080 हर्ट्ज का मॉनिटर है ये, 1080 पिक्सल 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है। और यहाँ पे लगाते हैं अपना गेमिंग हैंडसेट, वैसे गाइस गेमिंग वाला नहीं है, सिंपल वाला है, पर इस पर रुको, ये रहा स्टैंडर्ड वाला। और यहाँ पे माउस पैड अपने पास एक सिंपल सी, इसको भी लगाते हैं यहाँ पे। जब यार हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे गाइस, तब ना हम सब कुछ गेमिंग वाला बाय करेंगे, जैसे कि गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग मॉनिटर, गेमिंग गाइस कैबिनेट, सब कुछ गेमिंग। तो फिलहाल अपने पास उतने पैसे नहीं है, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। और रुको यार, यहाँ पे देखो कॉमिक्स गाइस फिर से खत्म होने वाली है, तो यार कॉमिक्स भी मुझे ऑर्डर करनी पड़ेंगी, क्योंकि यार यहाँ ना कॉमिक्स लेने वाले बंदे बहुत आ रहे हैं। देखो कितने सारे बंदे खड़े हैं, गिनो गिनती एक एक करके। ये है दूसरा, इसका भी करते हैं चेकआउट। ये है गाइस तीसरा, चल भाई तू भी आ जा, आजा जल्दी से, तूने क्या लिया है, जल्दी जल्दी चेकआउट करते हैं, वरना गाइस ये ना यहाँ पे ऐसे खड़े रहेंगे और फिर ना हम लोग बोर होते रहेंगे। चलो चलो चलो, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, आ जाओ आ जाओ। इसने लिए एक कॉमिक्स बुक, इसने लिए एक गेम की सीडी। तो यार बंदे गाइस काफी कम कम खरीद रहे हैं वो, इस वजह से क्योंकि यार यहाँ पे देखो यार गेम ना खत्म होगी हमारी सब। और यहाँ पे दो बंदे और खड़े हैं, तो इनको देते हैं पीसी जल्दी से, 3 PC हमारे टोटल। तो अब एक PC रह गया, तो एक PC जल्दी से बाय कर लेती हैं, क्योंकि अपने पास देखो हो चुके हैं 86,000 N। तो जाते हैं फिर से गाइस गेमिंग के अंदर, एक ऐड करते हैं मॉनिटर, एक ऐड करते हैं कीबोर्ड, एक ऐड करते हैं माउस, एक ऐड करते हैं माउस पैड, एक ऐड करते हैं चेयर। अगर भाई आप लोगों ने याद कर लिया कि कंप्यूटर के अंदर क्या कुछ लगता है, तो नीचे ना कमेंट करके बताना मुझे। तो ये कर दिया मैंने ऑर्डर, और ये ट्रक देखो वहां से आ रहा है पीछे से। और यहाँ पे यार बहुत सारे बंदे गेम कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए खड़े हुए हैं देखो, बट यार जो कंप्यूटर है वो तो हम लोगों ने दिए हुए हैं देखो तीनों के तीनों, और तीनों बंदे देखो यार एक जैसी गेम खेल रहे हैं। तो चलो बाहर चलते हैं, खेलने देते हैं इनको गेम। और जल्दी से यहाँ पे दो बंदे खड़े हैं, इनका चेकआउट करते हैं। पर रुको, अपने पास से देखो 27,000 N, तो हम जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि यार हमारी कॉमिक्स खत्म हो रखी हैं, तो हम ना जल्दी से कॉमिक्स ऑर्डर कर लेते हैं यहाँ से। आई होप गाइस कि कॉमिक्स और सीडी दोनों आ जाएं इतने पैसों में, आएंगी कि नहीं आएंगी देखना पड़ेगा। वैसे देखो 7,000, 5,000, 6,000, 5,000 इतने की हैं, तो लगता नहीं कि आएंगी सबके सब। इसके लिए चाहिए हमें 38,000 N, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे यार देखो तीन बंदे खड़े हैं ना, तो इनका चेकआउट करते हैं कि आप तक इतने पैसे हमारे पास हो जाएं इनका चेकआउट करने के बाद, आ जाओ। अरे यार ये तो गाइस एक एक ले रहे हैं, तो अपने पास हो चुके हैं 32,000 N। पर रुको, यहाँ पे देखो एक लड़का गया है, तो जल्दी से ना एक पीसी फ्री पड़ा तो उसको देती हैं, क्योंकि यार इसको दूंगा तो ये लोग हमें देंगे 2525 N। तो चलते नीचे, और वहाँ पे देखो यार अपना लास्ट कंप्यूटर भी आ चुका है इस टास्क का, तो इसको भी उठा के जल्दी से रखते हैं अंदर। और इसको भी गाइस सेटअप करने के बाद देखते हैं कि हमें क्या सेटअप करना है। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि हम लोग तीन कंप्यूटर लगा पाएंगे इसके अंदर, बट यार हम लोगों ने गाइस लगा ही दिया फाइनली। तो जल्दी से उठा के रखते हैं इसको अंदर, और जल्दी से फिर जाते हैं उस कंप्यूटर वाले रूम के अंदर, और वहां पे जाके जल्दी से लगाते हैं इनको भी। बाहर देखो यार इवनिंग हो चुकी है, तो चलो जल्दी से ना पहले जो कंप्यूटर फ्री पड़े हैं उनको दे देते हैं, क्योंकि यार वो बंदे ना जा चुके हैं। और रुको ये, अच्छा रुको, ऑक्यूपाई है पहले, एक ऑक्यूपाई है, दो हम लोगों ने दे दिए। तो चलो यार अपना लास्ट कंप्यूटर भी यहाँ पे लगाते हैं। पहले लगाते हैं कैबिनेट, कैबिनेट कहाँ गई हमारी कैबिनेट, ये रही कैबिनेट, मुझे लगा मैंने बाय नहीं की बट ये रही। तो इसको लगाते हैं चिपका के एकदम साथ में। और यहाँ पे फिर से लगाते हैं चेयर, और जल्दी से गाइस लगाते हैं हम लोग यहाँ पे मॉनिटर, और यहाँ पे लगाते हैं जल्दी से CPU, और यहाँ पे लगाते हैं जल्दी से माउस, और ये रहा हमारा कीबोर्ड। यहाँ पे टांग देते हैं जल्दी से अपना खटारा वाला हेडफोन, वैसे खटारा वाला नहीं है, इसको गाइस बंदे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो यार अपना टास्क कंप्लीट हो गया, और हमें मिलेगा गाइस 50,000 N। और यहाँ पे देखो साइड में एक और नया टास्क अनलॉक हुआ है, जिसपे लिखा है अनलॉक द कैफेटेरिया रूम फ्रॉम द मेन PC। तो हमें मेन PC के अंदर जाना है और उसके अंदर से कैफेटेरिया अनलॉक करना है। तो चलो जाते हैं जल्दी से कैफेटेरिया के अंदर, पर नहीं अपग्रेड के अंदर जाना हमें। और इसके अंदर देखो यार हमारा लेवल गाइस 2 हो चुका है। लेवल 2 के अंदर हम अपने वेयर हाउस को बड़ा कर सकते हैं, PC गेमिंग रूम को भी और एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे कैफेटेरिया ये रहा, तो इसको करते हैं जल्दी से अनलॉक। पर रुको यार इसके अंदर देखो 40,000 N लग रहे हैं हमारे, तो करना तो पड़ेगा क्योंकि गाइस ये लोग हमें बोल रहे हैं। तो चलो देखते हैं आगे हमें क्या करना है। और रुको, एक PC गाइस हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, तो उसको जल्दी से देते हैं रेंट पे, ताकि थोड़े पैसे वैसे बनते रहें। और यहाँ पे यार मैंने कॉमिक्स बुक मंगाई नहीं थी, अरे यार शिट गाइस, पहले ना कॉमिक्स बुक मंगाते हैं। पर रुको, ये लोग गाइस कह रहे हैं कि कैफेटेरिया रूम के लिए टेबल, करी पैक, राइस ये सब ऑर्डर करो, ताकि उसके अंदर हम बंदों को ना राइस करी वगैरह बना के दें और वो खाएं। बट गाइस यार उससे पहले मैं यहाँ पे ना CD और कॉमिक्स मंगाऊंगा, क्योंकि यार उससे हमारी अर्निंग ना काफी हो रही है। तो ऐड कार्ट के अंदर ऐड करते हैं फिर से कॉमिक्स और गेम की CD, और यहाँ से जल्दी से करते हैं बाय। और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे बचते हैं। रुको, 30,000 N के नियर अबाउट बचे हैं हमारे पास। PC हमारा अगर फ्री हो गया होगा तो दे देते हैं जल्दी से इनको। बंदे गाइस बहुत ही तेजी से आ रहे हैं, देखो दो बंदे अभी भी खड़े हुए हैं, तो इनको यार मैं रिजेक्ट भी नहीं कर सकता और दे भी नहीं सकता, क्योंकि जितने PC पड़े थे दे दिए मैंने। उस गाड़ी के आने का इंतजार करते हैं। और यहाँ पे देखो यार ये बंदा गाइस यहाँ पे कॉमिक्स बुक भाल रहा है, बट उसको मिल नहीं रही, तो वो देखो जा रहा बेचारा। और यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है काउंटर पे चेकआउट के लिए, तो चलो चेकआउट करते हैं। इसने लिया कॉमिक्स बुक, और रखते हैं गाइस स्कैनर अपना नीचे, और जल्दी से चलते हैं देखते हैं जो हमारा कैफेटेरिया रूम है वो कहाँ पे अनलॉक हुआ है। अरे गाइस यार शिट, यहाँ पे देखो हमें ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा के ले आके रखनी है। अरे यार जाना पड़ेगा इसके अंदर। तो कार्ट के अंदर करते हैं जल्दी से ऐड, और यहाँ पे ऐड करते हैं कोल्ड ड्रिंक। वैसे यार पहले ज़्यादा दिखा रहा था, अब कम क्यों दिखा रहा है ये। तो चलो यार जितना भी दिखा रहा है इसको ऑर्डर कर लेते हैं फिलहाल एक बार के लिए।
वैसे मुझे यार ज़्यादा मंगाना चाहिए ये कैन वगैरह, क्योंकि यार ये ना यहाँ पे ज़्यादा बिक रहा है। रुको यहाँ पे देखते हैं जो हमारा पीसी है, अगर वो फ्री है तो दे देते हैं। और रुको जो गाइस नीचे वैन है वो भी आ चुकी है, तो चलो जल्दी से भाग के चलते हैं और जल्दी से जाकर ना कॉमिक्स और गेम की सीढ़ी रख देते हैं, क्योंकि देखो यार बंदा वहाँ पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। और गाइस पता नहीं कितने बंदे वहाँ से ना बिना कॉमिक्स बुक लिए चले गए। इनको लगाते हैं जल्दी से उठा के सेल्फ के अंदर और उसके बाद जाके ऊपर जल्दी से कॉमिक्स बुक लगा देते हैं, ताकि यार बंदे ना कॉमिक्स बुक लेके जाएं वो खाली हाथ ना जाएं। अगर यार वो खाली हाथ जाएंगे तो अगली बार से ना वो आएंगे नहीं, उनको ये लगेगा कि यहाँ पे ना कॉमिक्स बुक वगैरह कुछ नहीं मिलती, ओनली बस गेम खिलाता है। तो ये देखो अभी भी खड़े होकर बेचारी इंतजार कर रही है, तो यहाँ पे लगाती हैं जल्दी से। और रुको यार गाइस चली गई वो लड़की, शिट यार यहाँ पे रुको, इस साइड लगाते हैं जल्दी से कॉमिक्स बुक, उसको कॉमिक्स बुक चाहिए थी, मैं वहाँ पे गेम की सीढ़ी लगा रहा था उस वजह से गाइस वो चली गई। इसको भी उठा के रखते हैं जल्दी से यहाँ पे और चलो, अपना ये टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। और नीचे देखो यार जो हमारी वेंडिंग मशीन है उसका सामान भी आ चुका है। रुक जाओ भाई रुक जाओ, बस दो मिनट रुक जाओ, तो इससे पहले गाइस ये जाएँ जल्दी से जाके ना इनको उठा के जल्दी से वेंडिंग मशीन के अंदर रखती हैं। बट पहले तो यार यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि यार सीधा हम लोग ले जाके ना रख नहीं सकते, तो सेल्फ के ऊपर से सीधा वहाँ से इन्वेंटरी के अंदर से उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। देखना अभी कैसे होगा। यहाँ पे चल भाई तू भी अंदर, चलो 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 जल्दी से ऊपर भाग के, और जल्दी से गाइस इनसे पहले कि वो लोग जाएं जल्दी से जाके ना उसके अंदर रखते हैं उनको। अरे यार चले गए वो, इसके अंदर भरते हैं जल्दी से कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक मिल्क शेक, और इसके अंदर भरते हैं जल्दी से चिप्स के पैकेट, और ये क्या है चॉकलेट शायद से, अच्छा केक है ये। काउंटर पर फिर से खड़े देखो तीन जने, तो यार मुझे ना यहाँ काउंटर के लिए एक एम्प्लॉई हायर कर देना चाहिए शायद से, देखना पड़ेगा। बट गाइस अगर मैं एम्प्लॉई हायर कर दूंगा तो यार टास्क करने के लिए मेरे पास शायद से फिर पैसे नहीं बचेंगे। ओह रुको इसने मशीन ली है, अच्छी बात है, इसने एक दो ही लिए इसने, तो देखो अपने पास हो चुके हैं 54,000 एन। तो जो हमारा कैफेटेरिया रूम है उसके अंदर हमें एक टेबल, एक कड़ी, एक चावल ले आकर रखना है। तो वो है कहाँ पे कैफेटेरिया रूम, ऊपर खुला क्या? नहीं यार ऊपर तो गाइस लॉक हो रखा है। और रुको ये रहा हमारा कैफेटेरिया, मतलब एक छोटी सी कैंटीन। तो यहाँ पे यार पहले तो हमें साफ ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो काफ़ी डर्टी है ये, तो यहाँ पे जल्दी से घुमाते हैं पोछा। और उसके बाद अरे यार ईंटें किसने फेंकी हुई हैं, तो ईंटें भी उठा के गाइस हमें यहाँ से फेंकनी पड़ेंगी, ले जाकर सीधा डस्टबिन के अंदर। और रुको पीछे की साइड भी है, अच्छा ये हमारा छोटा सा किचन है, यहाँ से हम बना के देंगे और यहाँ पे बंदे बैठ के या फिर खड़े होकर खाएंगे। बट उससे पहले जल्दी से जो कचरा पड़ा हुआ है इसको थ्रो करते हैं डस्टबिन के अंदर। और यहाँ पे देखो यार रात हो चुकी है, रात के बज चुके हैं 10:30, तो ये बंदे यहाँ से 12 बजे के बाद चले जाएंगे। अरे यार कहाँ गए कैफेटेरिया रूम, अच्छा ऊपर था ये रहा। वैसे यार एक बार में किन उठा रहा है ये, देखो एक बार में उठा ही नहीं रहा, एक चीज़ को एक ही बार उठा रहा है, तो उससे गाइस बहुत ही भगाई हो रही है। तो इसको भी जल्दी से डालते हैं डस्टबिन के अंदर, भगाई करनी पड़ेगी। और रुको उस लड़की के सिर के ऊपर, ओह बच गई भाई वो लड़की। और यहाँ पे देखो फाइनली हमारा कैफेटेरिया गाइस एकदम ना क्लीन हो चुका है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी से ना एक वुडन टेबल, वुडन चेयर, चार चेयर मंगाओ, और एक मंगाओ राइस का पैकेट, एक मंगाओ कड़ी का पैकेट। बट उससे पहले बंदों को पीसी देते हैं, क्योंकि हमारे पीसी देखो फ्री पड़े हैं, देते हैं इनको पीसी। और उसके बाद जल्दी से करते हैं ऑर्डर, क्योंकि हमारे पास हो चुके हैं देखो 71,000 एन। तो यार हमारा बिजनेस गाइस काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बैंकक्रप्ट होकर बैठे हैं या फिर हमारे पैसे कम हो जा रहे हैं, हम लोग मंगा नहीं पा रहे, तो पैसे तो हमारे ना तुरंत ही बढ़ जा रहे हैं, मतलब सब कुछ बिकता जा रहा है लगातार। तो यहाँ पे हमें जाना है कैफेटेरिया के अंदर, और उसके अंदर से ये रहा वुडन टेबल और ये रही चेयर। तो एक चेयर पड़ रही है अपने को 2500 की, तो ऑर्डर कर लेते हैं चार चेयर। और यहाँ से ऐड करना हमें कड़ी और चावल, तो चलो ऐड करते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमें गाइस सबको ना कड़ी चावल खिलाना बना के, पता नहीं कैसे बनेगा देखेंगे चलो बाद में, बट पहले वैन आने देती हैं। तो फिर से गाइस देखो ऊपर टाइम 1 बज चुके हैं रात के, और जो बंदे बैठे हुए थे गेमिंग रूम के अंदर ये सब जा रहे हैं सोने। जा भाई जा, सुबह है ना, जा चला जा यहाँ से, तेरी मम्मी पकड़ गया ना तुझे, बहुत पीटेगी, जा भाई। नहीं जा रहा गाइस, पूरी ना पूरा 1 घंटा वसूल के जाएगा। रुको इसको मारे क्या, अपने पास यहाँ पे एक हैमर है, तो अगर मैं इसको मारूंगा तो ये मरेगा क्या? अरे यार ये तो मर ही नहीं रहा गाइस, देखो छोड़ो यार गाइस ये गेम खेल के जाएगा। तो चलो सोने का ट्राई करते हैं, क्या पता हम लोग सो ही जाएं। बट रुको शायद से गाइस वो जा रहा है, नहीं जा रहा भाई, वो नहीं जा रहा, ढीठ बंदा है एकदम, पूरी रात गेम खेलेगा बैठ के। तो चलो यार उसको खेलने देते हैं, हम यहाँ पे सो के उठते हैं। और यहाँ पे देखो यार आज हमें प्रॉफिट हुआ है 5,000 एन का, तो धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। और डे है गाइस आज 8, तो आज हमें देखो यहाँ पे जो हमारा कैफेटेरिया है उसके अंदर टेबल और चेयर लगानी है। और ये ट्रक इतना हिल क्यों रहा है, क्या हुआ भाई, फिसल गया क्या तेरा ट्रक यहाँ से? शायद से गाइस यहाँ पे देखो यार थोड़ा रोड ना खराब सा है, मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई है, उस वजह से इसकी वैन ना हिल डुल जा रही है। तो इसको रखते हैं इसके ऊपर और चलो भाग के चलते जल्दी से चलते हैं ऊपर कैफेटेरिया के अंदर। और जो बंदा था वो चला गया, पर रुको यहाँ पे गाइस यार ये इसको क्या हुआ, ये चल क्यों नहीं रहा, कुछ तो गाइस मुझे लग रहा गड़बड़ हुई है। ओ यार ये क्या हुआ, डैमेज होगा गाइस हमारा ये पीसी, तो इसको रिपेयर कैसे करना है, कैसे रिपेयर होगा, रुको इसको अगर मैं उठाता हूँ, अरे यार गाइस ये उठ नहीं रहा, तो कुछ तो करना पड़ेगा इसका, शायद से मुझे लगता है कंप्यूटर के अंदर जाके देखना पड़ेगा। इसके अंदर अगर जा रहे हैं तो नहीं, पीसी के अंदर यहाँ से तो दे सकती हैं, पर रुको दे देते हैं पहले, नहीं गाइस नहीं कुछ कर पा रहा है यहाँ पे, देखो इसके ऊपर क्लिक क्लिक हो ही नहीं रहा। तो यार उसको रिपेयर कैसे करना है गाइस कुछ भी पता नहीं चल रहा, अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे ना कमेंट करके बताना मुझे,
पर रुको, हम लोगों ने कुछ तो मंगाया था ना, चेयर और टेबल मंगाए थे, कहाँ गए भाई वो, अभी तक आए क्यों नहीं? अच्छा गाइस वो आ गए थे, तो उसको हमें ले जाके ना सीधा लगाना कैफेटेरिया रूम के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से ना टेबल लगाओ पहले, तो टेबल कैफेटेरिया वाला ये रहा अपना। इसको कैसे लगाएं वैसे, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लगाते, चलो साइड में करके एक बार के लिए इसको लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो यार चेयर लगानी है, तो जल्दी से चेयर करते हैं प्लेस, एक दो, और यहाँ पे तीसरी चेयर हमारी, और ये रही चौथी चेयर, एक तरह का डाइनिंग सेट बन गया ये तो। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी से कंप्यूटर के अंदर जाओ और वहाँ पे जाके जल्दी से अपने कैफेटेरिया को ना ओपन करो। तो ये रहा हमारा कैफेटेरिया होम के अंदर, ये रहा, तो इसको करना ओपन। और यहाँ पे गाइस हमारा टास्क देखो कंप्लीट हो चुका है, बट हमें पैसे वैसे नहीं मिले बिल्कुल भी। और यहाँ देखो साइड में ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी से कड़ी चावल बनाओ और 10 कस्टमर को सर्व करो। तो यार कड़ी चावल कैसे बनाना है देखना पड़ेगा। अरे यार यहाँ पे तीन बंदे खड़े हैं, और जो हमारे कंप्यूटर हैं देखो सब पे सब ना बंदे बैठे हुए हैं सभी पे। एक तो यार हमारा ख़राब ही हो गया, अरे यार कैसे रिपेयर करना है। और रुको दो जने जा रहे हैं, तो चलो जल्दी से भाग के जाते हैं और दो जनों को दे देते हैं। आ जाओ भाई ये लो पीसी, ये वाला फ्री पड़ा है, आ जाओ आप भी। और यहाँ पे नीचे रुको, कैफेटेरिया के अंदर कोई आया कि नहीं आया? ओ एक लड़की आई हुई है देखो, ये गाइस मांग रही है हमारे से कड़ी और चावल। तो कड़ी चावल कहाँ से मंगाना है, कैसे करना है समझ नहीं आ रहा कुछ भी। यहाँ पे ये क्या रखा हुआ है? अच्छा ये हमारा किचन है, इसके अंदर देखो छोटे छोटे कुकर रखे हुए हैं शायद इलेक्ट्रिक वाले। और रुको ये लोग कह रहे हैं गाइस इसके अंदर पहले तुम्हें चावल डालने हैं, फिर कड़ी डालनी है इसके अंदर, उसके बाद देखो बॉल उठाना है, उसके अंदर से एक में से चावल उठाने हैं और दूसरे में से कड़ी उठानी है, चलो देखते हैं करके। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर रिफ़िल करनी है चावल, कड़ी या फिर चावल, और इसके अंदर करना हमें, तो दोनों के अंदर मैंने डाल दिया, पता नहीं क्या डाल दिया, शायद से एक के अंदर चावल है एक के अंदर गाइस कड़ी है। तो जब हम लोग यहाँ पे देंगे निकाल के कोले के अंदर, अच्छा देखो इसके अंदर दिखाई दे रहा है चावल इसके अंदर, और ये रही कड़ी, भाई देखो देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है काफ़ी। और रुको चार चार बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो देना कैसे इनको? अरे यार कहाँ फेंक दिया मैंने उसको, अबे शिट यार उसको मैंने शायद से गाइस नीचे फेंक दिया। तो चलो दोबारा से भरती हैं, और इसको देना कैसे है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे देना भाई कैसे खाओगे? और रुको बट कैसे दिया मैंने कुछ गाइस समझ नहीं आया, रुको दोबारा से भरने दो इसके अंदर। और शायद से ईद बाके, नहीं यार ईद बाके तो नहीं, शायद जम मार के, कैसे दिया मैंने इसको? और रुको शायद से इसके आगे रखना पड़ रहा है, इसके अंदर भी भरते हैं, और दो जो मुँह देख रहे हैं बैठ के इनको देते हैं जल्दी से। और रुको वो बंदा चला गया, अच्छा उसको हमने दिया कि नहीं दिया, शायद से गाइस वो खा के चला गया। तो यहाँ से फिर से उठाती हैं और इसके अंदर ही भरती हैं, ये सही गाइस कैफे के अंदर बीच में कंटीन खोल ली हम लोगों ने, इसको भी देते हैं बेचारी, ये देखो ये भी खाने लग गई। और यहाँ पे यार बंदे ना बहुत ही तेजी से खा के चले जा रहे हैं तुरंत ही। तो यहाँ पे यार ये कूड़ा किसने फैला दिया, रुको निकाल लें तो जल्दी से वैक्यूम क्लीनर, और जल्दी से घुमाते हैं चारों ओर ताकि यार एकदम क्लीन हो जाए। और यहाँ पे भी देखो, अरे यार ये क्या हो रखा है, यहाँ पे घुमाते पोछा, सुबह उठ के झाड़ू पोछा तो गाइस मारना ही पड़ता है, तो मारना ही पड़ रहा है। तो जल्दी से इनका करते हैं चेकआउट, आ जाओ जल्दी से, तुमने क्या लिया है? कॉमिक्स बुक, और रुको यार काफ़ी कुछ लिया इसने भाई, मुझे लगता है जो हमारी कॉमिक्स बुक है और जो गेम की सीढ़ी हैं वो भी गाइस ख़त्म हो गई होंगी, क्योंकि ये लोग देखो तीन तीन खरीद रहे हैं, इसने भी दो खरीदी हैं, दो या तीन सब खरीद रहे हैं। रुको इसने यार एक ही खरीदी है, इसने दो खरीदी हैं, देखो भाई अच्छा ये काफ़ी। चलो अपने पास हो चुके हैं 1,00,000 एन के नियर अबाउट। तो चलो गाइस यार आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो हमारा टास्क है उसको कंप्लीट करेंगे, और गाइस यार जो हमारा ये कैफे है ना इसको और ज्यादा अपग्रेड करेंगे। तो चलो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ना लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस इस चैनल पर ना बहुत सारी गेम प्ले वीडियोस आने वाली हैं डेली। तो चलो फिर मिलते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।